दोस्तों, आपने साइंस फिक्शन मूवी में देखा ही होगा कि कैसे पृथ्वीवासी अपने प्लेनेट को छोड़कर दूसरे प्लेनेट को कॉलोनाइज करते थे, और हम लोग भी सपने देखा करते थे कि काश हम सभी दूसरे प्लेनेट पर जाकर ह्यूमन कॉलोनी बसाते। लेकिन अब यह ड्रीम्स हकीकत में होने वाला है, क्योंकि नासा के आर्टिमिस प्रोग्राम के तहत इंसान बहुत ही जल्द मून पर अपनी कॉलोनी बसाने वाला है। दोस्तों, आज के 52 साल पहले अमेरिका ने 1968 से 1972 तक इंसानों को मून पर भेजने के लिए कुल 9 मिशनों को एग्जीक्यूट किया था, जिसमें से केवल 4 मिशन ही सक्सेस हुए थे। इस अपोलो मिशन के दौरान नील आर्मस्ट्रांग सहित 12 एस्ट्रोनॉट ने मून की धरती पर लैंड हुए थे। लेकिन तब से आज तक नासा या किसी और स्पेस एजेंसी ने अब तक मून पर इंसानों को वापस नहीं भेजा है। लेकिन नासा अब फिर से एस्ट्रोनॉट को अपने आर्टिमिस प्रोग्राम के माध्यम से मून पर भेजेगा। इसी आर्टिमिस प्रोग्राम के तहत नासा एक मून पर लूनर बेस का भी निर्माण करेगा। इसके लिए नासा ने मून पर साइकल्टन क्रेटर को चुना है, और साथ ही साथ लूनर ऑर्बिट में एक गेटवे नाम का स्पेस स्टेशन भी होगा, जो भविष्य में होने वाले मार्स कोलोनाइजेशन के लिए फ्यूल स्टेशन का काम करेगा। और इस लूनर बेस के माध्यम से बहुत ही जल्द हम इंसान एक इंटरप्लेनेटरी सिविलाइजेशन होंगे, और यह भविष्य की एक नई टेक्नोलॉजी के साथ अंतरिक्ष युग की नई शुरुआत होगी। दोस्तों, चलो जानते हैं कि नासा का आर्टिमिस प्रोग्राम आखिर है क्या। अमेरिका के आर्टिमिस प्रोग्राम का मकसद है कि इंसानों को एक बार फिर से चांद की धरती पर भेजा जाए। लेकिन अब इंसान केवल मून की ही धरती पर नहीं जाएगा, बल्कि उसको कॉलोनाइज करने का भी पूरा प्लान रेडी कर लिया गया है। इस बार एस्ट्रोनॉट को चांद की धरती पर इस तरह से भेजा जाएगा कि एस्ट्रोनॉट बिना किसी प्रॉब्लम के 100% एक्यूरेसी के साथ मून की सतह पर सेफ्टी लैंड कर सकें। इसलिए नासा इस बार मून के लूनर ऑर्बिट में एक गेटवे नाम का एक छोटी सी स्पेस स्टेशन का भी निर्माण करेगा, और यह स्पेस स्टेशन मून की ऑर्बिट में रहकर कंटिन्यू चांद की परिक्रमा करता रहेगा। इस स्पेस स्टेशन के माध्यम से एस्ट्रोनॉट को सेफ्टी मून पर लैंड करने से लेकर वापस आकर लूनर ऑर्बिट में किसी भी रिसर्च को अंजाम दे पाएंगे, और आने वाले फ्यूचर में लूनर गेटवे के माध्यम से किसी भी दूसरे प्लेनेट को कॉलोनाइज कर पाएंगे, तथा एस्टेरॉयड माइनिंग और इंसानों की इंटरस्टेलर सिविलाइजेशन बनने में काफ़ी हेल्पफुल होगा। इसके साथ ही मून पर एक आर्टिमिस बेस का भी निर्माण किया जाएगा। आखिर नासा इस अपने आर्टिमिस प्रोग्राम को कैसे एग्जीक्यूट करेगा, आइए जानते हैं। भविष्य में एस्ट्रोनॉट को डायरेक्ट हम सभी किसी भी स्पेस मिशन में नहीं भेज सकते, क्योंकि यह काम बहुत ही रिस्की वाला होता है। क्योंकि एस्ट्रोनॉट को चांद की धरती पर उतरने से पहले हमें यह श्योर करना होता है कि जिस टेक्नोलॉजी रॉकेट एंड स्पेस क्राफ्ट को डिजाइन करने के लिए जिस कंपोनेंट का यूज़ किया जाएगा वो सेफ्टी से काम करता है या नहीं। दोस्तों, किसी भी मिशंस को अंजाम देने से पहले मैंड मिशन के बजाय अनमैंड मिशन करते हैं। एग्जाम्पल के लिए नासा ने अपोलो मिशन के दौरान डायरेक्ट एस्ट्रोनॉट को भेजने के बजाय नासा ने अपोलो 4, 5 और 6 अनमैन मिशन को एग्जीक्यूट किया था। इसके बाद 7, 8 और 9 मिशन में एस्ट्रोनॉट को भेजा तो गया था, बट इसमें लैंडर नहीं था। इसमें यह साफ क्लियर होता है कि अपोलो 11 मिशन से पहले जिन मिशनों को एग्जीक्यूट किया गया था उसमें केवल एस्ट्रोनॉट मून की ऑर्बिट में रहकर सारी सिस्टम को चेक करने गए थे कि सारा इक्विपमेंट फंक्शन में है या नहीं। उसके बाद नासा ने अपोलो 11 मिशन से एस्ट्रोनॉट को चांद की धरती पर लैंड कराना स्टार्ट किया था। इसी तरह आर्टिमिस प्रोग्राम को 4 मिशनों में अंजाम दिया जाएगा। इसमें पहला है आर्टिमिस 1 मिशन। आर्टिमिस 1 मिशन का 11 दिसंबर सन 2022 को सक्सेसफुली टेस्ट किया जा चुका है,
आर्टिमिस 1 मिशन को इसलिए अंजाम दिया गया था कि उसमें SLS यानी स्पेस लॉन्च सिस्टम और ओरायन स्पेसक्राफ्ट की टेस्टिंग के लिए भेजा गया था। अगर आप नहीं जानते हो कि ओरायन स्पेसक्राफ्ट क्या है, तो ओरायन स्पेसक्राफ्ट एक ह्यूमन डीप स्पेस ट्रेवल शिप है जिसको 3 पार्ट्स में मिलाकर बनाया गया था, जिसमें पहला है क्रू मॉड्यूल, इसमें 4 एस्ट्रोनॉट के रहने की पूरी व्यवस्था है, और दूसरा है सर्विस मॉड्यूल जिसमें एक लाइफ सपोर्ट सिस्टम भी है। ओरायन स्पेसक्राफ्ट में तीसरा पार्ट है एबॉर्ट सिस्टम, जिसमें लॉन्च से लेकर ऑर्बिट तक पहुंचने में यदि कोई भी खराबी रॉकेट में होती है तो एस्ट्रोनॉट इस एबॉर्ट सिस्टम की मदद से अपनी जान बचा सकते हैं। इस मिशन को अनमैन्ड रखा गया था, इसलिए इस मिशन में लाइफ सपोर्ट सिस्टम एंड एबॉर्ट सिस्टम को रिप्लेस करके डमी एस्ट्रोनॉट का यूज करके तथा इसमें ऐसे सेंसर तथा इंस्ट्रूमेंट लगाए थे जिसमें टेम्परेचर, प्रेशर एंड ट्रेवल एक्सपीरियंस को रिकॉर्ड करके चेक किया गया था। यदि आपको नहीं पता है SLS यानी स्पेस लॉन्च सिस्टम क्या है, तो SLS एक हैवी स्पेस लिफ्ट व्हीकल है जो 32 मंजिला इमारत को भी स्पेस ऑर्बिट में ले जाने की कैपेबिलिटी रखता है। SLS दुनिया में अब तक का सबसे पावरफुल रॉकेट है। SLS की कैनेडी स्पेस सेंटर से इसकी पहली फेज की लॉन्चिंग की जा चुकी है। आर्टिमिस 2 मिशन, इस मिशन में लाइफ सपोर्ट सिस्टम के साथ 4 एस्ट्रोनॉट को मून की ऑर्बिट में भेजा जाएगा। इसमें लैंडर नहीं होगा क्योंकि एस्ट्रोनॉट केवल मून की ऑर्बिट में रहकर सारे सिस्टम एंड इंस्ट्रूमेंट का चेक करेंगे और वह इस काम को करने के बाद वापस अर्थ पर चले आएंगे। अब है आर्टिमिस 3 मिशन। यह मिशन बहुत ही अहम और क्रू लूनर लैंडिंग मिशन होगा जिसमें एक महिला एस्ट्रोनॉट के साथ मून की सतह पर लैंड करेगा। वैसे तो ओरायन स्पेसक्राफ्ट में मौजूद 4 एस्ट्रोनॉट में से 2 एस्ट्रोनॉट ही मून की धरती पर लैंड करेंगे और बचे 2 एस्ट्रोनॉट मून की ऑर्बिट में रहेंगे। इस मिशन को एग्जीक्यूट करने के लिए नासा ने 2026 में प्लान किया था, लेकिन इस मिशन का एक पार्ट एलन मस्क की कंपनी SpaceX पर डिपेंड है क्योंकि यह कंपनी HLS यानी ह्यूमन लैंडिंग सिस्टम को लूनर ऑर्बिट में प्लेस कर देगी, जिससे एस्ट्रोनॉट ओरायन स्पेसक्राफ्ट से HLS में ट्रांसफ़र हो जाएंगे और HLS का यूज़ करके सेफली चांद की धरती पर लैंड करेंगे। इसकी लैंडिंग मून की साउथ पोल में होगी क्योंकि वहां पर वाटर आइस मौजूद है, जिसमें एस्ट्रोनॉट यहां पर लैंड करके एस्ट्रोनॉट यहां का सैंपल लेंगे और आसपास की एरिया को रिकॉग्नाइज करेंगे। जैसा कि आप जानते हो, वाटर आइस में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं और वाटर आइस में से हाइड्रोजन को स्प्लिट करके बड़ी आसानी से रॉकेट फ्यूल तैयार किया जा सकेगा और साथ ही साथ ऑक्सीजन को स्प्लिट करके ब्रीदेबल गैस भी मिल जाएगी। देन एस्ट्रोनॉट HLS का यूज़ करके वापस ओरायन पर लौट आएंगे। फाइनली ओरायन स्पेसक्राफ्ट का यूज़ करके वापस अर्थ पर चले आएंगे तथा फ्यूचर में होने वाले मार्स मिशन को अंजाम देने के लिए लूनर ऑर्बिट में एक छोटा गेटवे स्पेस स्टेशन भी होगा, जिससे एस्ट्रोनॉट भविष्य में अपने स्पेसक्राफ्ट को यहां पर डॉक करके अपनी रिसर्च को अंजाम दे पाएंगे। इस गेटवे स्पेस स्टेशन का निर्माण कुछ प्राइवेट स्पेस एजेंसी को दिया गया है जो समय समय पर भविष्य में मून पर लूनर बेस बनाने के लिए रोवर तथा और साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट को डिलीवर करते रहेंगे। वैसे दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कोई भी आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।